हाय फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक नए रेसिपी के साथ आपके पास। और आज मैं जा रही हूँ चॉकलेट बॉल्स बनाने किड्स के लिए रक्षाबंधन पे। आपसे मैंने बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी, उसके लिए आइए देखें क्या क्या चीज हमें चाहिए। मैंने बॉर्बन बिस्किट लिया है, आप कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, ओरियो भी चलेगा। और चॉकलेट को मैंने, डार्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। और चॉकलेट सिरप भी मैंने लिया है, कंडेंस मिल्क लिया है। और देखिए मैंने ये सिल्वर बॉल लिया है और मल्टी वाला भी मैंने बॉल ले लिया है और ये चॉकलेट में भी ले लिया मैंने। अगर आपको ये सब नहीं मिले तो आप जेम्स को भी क्रश करके लगा सकते हैं। और देखिए बिस्किट को क्रीम से अलग कर देंगे हम लोग, अलग इसको रखेंगे और बिस्किट को अलग कर देंगे सारे बिस्किट से। और देखिए बिस्किट को क्रीम से हमने अलग कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे क्रीम को। और फाइन पाउडर इसका हम लोग बना देंगे बिस्किट का। और देखिए पाउडर मैंने तैयार कर लिया बिस्किट से। और सबसे पहले हम लोग इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और चॉकलेट सिरप भी हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है। बस इस तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप दूध भी थोड़ा सा ले सकते हैं। और हम लोग इसे एक डो तैयार करेंगे। तो देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। अब इसे हम लोग छोटे छोटे गोले बना लेंगे। और देखिए मैंने छोटे छोटे गोले बना लिए। और इधर जो क्रीम मैंने बिस्किट से अलग किया था इसे हम लोग कुछ इस तरह से मसल लेंगे। और अब फिर एक गोला हम उठाएंगे और उसको बीच से थोड़ा सा ऐसे गड्ढा करेंगे और उसमें थोड़ा सा क्रीम को डालेंगे। इतना आसान रेसिपी है, बच्चे भी बना लेंगे। और देखिए सारे मैंने गोले बना लिए और जो मैंने चॉकलेट मेल्ट किया है इसमें हम लोग डाल के ऊपर से कोटिंग कर लेंगे। और देखिए मैंने मेल्ट चॉकलेट को डाल दिया है। अब थोड़े थोड़े से इस सब से हम लोग डेकोरेशन कर देंगे, अच्छा लगेगा। और देखिए हम लोग इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और देखिए मेरा चॉकलेट बॉल्स तैयार है, ये किड्स के लिए इस रक्षाबंधन में। और आपके भी बच्चे बनाएं और आप लोग भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जरूर बताइए कि हम क्या बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू।